भाई मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो उसने पूछा, आनंद भैया आप ये बता दो जेसीबी ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ, थंबनेल में कोई लिखा है 1 लाख, कोई लिखा है 1.5 लाख, कोई लिखा है 90 हज़ार, कोई लिखा है 95 हज़ार, बच जाता है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई सऊदी में जेसीबी ऑपरेटर का सैलरी है, नया जो नया लोग आता है, जो सऊदी रिटर्न, कुवैत रिटर्न, कतर रिटर्न नहीं रहता है, जो नया लोग आता है उसका सैलरी रहता है 1500, 1600, 1400, 1300, 1200, इससे ऊपर किसी भी कंपनी में आपका सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगा। किसी का 8 घंटा ड्यूटी है, किसी का 10 घंटा ड्यूटी है, जिसका 10 घंटा ड्यूटी है उसका 1500 रियाल अगर सैलरी है तो 1000 रियाल से ज़्यादा नहीं बचेगा, जिसका 8 घंटा ड्यूटी है तो अगर 1500 रियाल सैलरी है तो उसको अगर ओवर टाइम मिल गया, 2 घंटा ओवर टाइम मिल गया, 8 घंटा ड्यूटी है तो उसका वही 2000 2200 आ जाता है, तो उसका 1500 1600 बच जाता है। वो ये जो वीडियो डालते हैं कि इधर थंबनेल लगा देते हैं यूट्यूब में कि 1 लाख 1.5 लाख पाओगे, 90 हज़ार पाओगे, ये सब झूठे भाई। किसी ऑपरेटर का भी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख नहीं है, सब खाली फेक वीडियो थंबनेल खाली लगा देते हैं। और जो जिस रिटर्न है, जो अगर सऊदी रिटर्न है, कतार रिटर्न है, कुवैत रिटर्न है, उसके पास कुवैत का लाइसेंस है, कतार का लाइसेंस, सऊदी का लाइसेंस है, वो आता है तो उसका सैलरी बेसिक सैलरी 1800 2000 रहता है, 8 घंटा ड्यूटी रहता है, वही ओवर टाइम से पैसा कमाते हैं इधर भाई, सैलरी से पैसा नहीं कमाते हैं, ओवर टाइम से। अगर 1800 में आया उसका फ्राइडे अगर ओवर टाइम मिल गया, उसके बाद में 4 घंटा हर एक दिन ओवर टाइम मिल गया, तो उसका सैलरी 3200 3300 3000 हो जाता है। वो अगर 10 घंटा ड्यूटी में आएगा तो उसका भी 2000 से 1 रुपया, एक हलाला भी बेसी नहीं मिलेगा भाई। तो ये सब जो वीडियो है, सब जो वीडियो डालते हैं, सब फेक है। मैं भी सऊदी में हूँ, मेरा 1200+200 सैलरी है, 10 घंटा ड्यूटी है। मैं भी यूट्यूब में ऐसे ऐसे देख के वीडियो जो बनाते हैं, इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि कोई भी ऑपरेटर भाई आए तो फंसे ना। आप आना, जितना भी सैलरी हो, 1200 1300 1400 नए बंदे के लिए आप आना, अगर तो 8 घंटा ड्यूटी में आना, 10 घंटे ड्यूटी में कभी भी मत आना, क्योंकि 10 घंटा ड्यूटी में आओगे तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। वो आपका अगर 1500 रियाल है तो 1500 रियाल में आपका खाना है, अगर 8 घंटा ड्यूटी में आओगे तो आपको 1500 रियाल बच जाएगा, खाना ओवर टाइम को ओवर टाइम से निकल जाएगा। वो अगर 1500 रियाल आपका सैलरी है, आप 10 घंटा ड्यूटी में आते हो, तो आपका 500 रियाल खर्चा हो जाएगा, 1000 रियाल खाली बचेगा भाई। तो वो सब वीडियो देख के मत आना, वो आना तो 8 घंटे ड्यूटी में आना, 10 घंटे ड्यूटी में मत आना। वो जो रिटर्न है भाई, जो 10 साल 12 साल रहते हैं, उनका सैलरी आ जाता है ओवर टाइम मिला के 3200 3500 2000 3000, क्योंकि उन लोग रिटर्न है, 9 10 साल से इधर ही है, उन लोग का सऊदी के पास भी लाइसेंस है, इसलिए रिटर्न का थोड़ा अलग महत्व है, वो नया लोग का थोड़ा अलग है। जो रिटर्न रहता है, जिसके पास सऊदी लाइसेंस रहता है, उसका सैलरी थोड़ा 1800 2000 रहेगा, वो भी अगर कंपनी अच्छा रहेगा तो ओवर टाइम रहेगा तो वो लोग भी कमा लेंगे 3200 3300 2000 2500। वो अगर ओवर टाइम नहीं मिलेगा तो भाई 1 लाख 1.5 लाख सैलरी कोई भी नहीं कमा पाएगा। ये सब वीडियो झूठ है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ भाई। तो मेरा वो व्यूअर ने बोला भाई बना दो, तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं वीडियो बना देता हूँ। तो भाई आप लोग यूट्यूब देख कर मैन पावर का बात सुनकर कभी भी मत आना, आना तो 8 घंटे ड्यूटी में आना, 10 घंटे ड्यूटी में मत आना, क्योंकि मैन पावर वाला तो बोलेगा ही भाई, उधर खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, इतना कमाओगे उतना कमाओगे, क्योंकि उसको उसको आदमी पठाना है तो झूठ बोल के पठाएगा ही। लेकिन इधर आके जितना आदमी आते हैं सब पछताते हैं भाई। मैं कम से कम 20-25 ऑपरेटर से पूछा हूँ भाई, कोई बोलता है मैं 9 10 साल हो गया, कोई बोलता है मुझे 12 साल हो गया, कोई बोलता है मुझे 15 साल हो गया। तो मैं बोलता हूँ भाई सैलरी आप लोग का कितना है, तो बोलता भाई सैलरी कम रहता है, 1800 1700 2000 रहता है, हम लोग ओवर टाइम से पैसा कमाते हैं, अगर ओवर टाइम चला तो पैसा बचेगा, ओवर टाइम नहीं चला तो पैसा नहीं बचेगा भाई, ओवर टाइम से सब पैसा कमाता है। किसी का सैलरी 2500 3000 नहीं रहता है, 2000 सैलरी रहेगा, 8 घंटे ड्यूटी रहेगा तो वो लोग 3200 3300 कमा लेगा, 2000 सैलरी नहीं रहेगा, 8 घंटा ड्यूटी नहीं रहेगा, 10 घंटा ड्यूटी रहेगा, 2500 सैलरी अगर रहेगा, 10 घंटा ड्यूटी रहेगा तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, 2500 में आपका खाना पहनना सब कुछ रहेगा। वो अगर 2000 सैलरी रहेगा, 8 घंटा ड्यूटी रहेगा तो आप वो 2800 2900 कमा लोगे भाई। तो आप लोग ऐसा वीडियो देख के मत आना, वो मेन पावर के पास सुन के मत आना, क्योंकि इधर भाई आके बहुत लोग फंस गए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी देखा यूट्यूब में, इसलिए मुझे देख के गुस्सा लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पे आके अगर आप 2 साल 3 साल बर्बाद करोगे, वो कमाओगे 20 हज़ार 25 हज़ार, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई।